हेलो एवरीवन, अवैस शंघाई से आंसर स्कॉलरशिप होल्डर। चाइना स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो आज हमने सर्च आउट करना है सीएसएस स्कॉलरशिप, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कवरेज क्या है। चलें देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती हैं। चलें, ये campuschina.org आपने सर्च आउट कर लेनी है, ये की मेन वेबसाइट है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं मेन वेबसाइट का होम पेज। तो सबसे पहले हमने जाना है स्कॉलरशिप पे। ये आ गया स्कॉलरशिप, ये आपको नज़र आ रही होगी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये नीचे आप ये देख सकते हैं, व्यू मोर पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये आ गया जी एप्लीकेशन गाइड फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसके आपको पता होंगे कोई तीन चार कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरी ए बी सी डी सी डी इस तरह की। आपको पता है HSC ट्रैक भी है, इसके अलावा जो इनका बायलैटरल प्रोग्राम होते हैं, देन इसका यूनिवर्सिटी ट्रैक भी है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी होती हैं। तो हमने जो टारगेट करना है वो करना है यूनिवर्सिटी ट्रैक। हर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को हमने टारगेट करना है, ना कि हमने कोई HSC के थ्रू अप्लाई करना है। तो ये आप ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इज डिज़ाइन टू फाइनेंस द स्टडी ऑफ टैलेंटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन चाइना। दैट डायरेक्टली सिलेक्टेड एंड रिकमेंडेड बाई डेजिग्नेटेड चाइनीज यूनिवर्सिटी एंड द स्पोर्टिंग स्टूडेंट कैटेगरीज आर बी एस। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के साथ आप वहां पर मेंशन कर देंगे कि मैं CSE स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूं। जो भी आपका CSE का एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी का जो कोड होगा वो आपने इधर CSE के पोर्टल पे जाना है और वहां पर आपने बना इंटर कर देना है। अच्छा, और उसके बाद आपने, आपको पता है कि वो मेंशन कर देना आपने, आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर देती है CSE स्कॉलरशिप के लिए। और यूनिवर्सिटी जो रिकमेंड कर देंगी तो वो आपका वो हो जाता है, सारा सीन क्लियर हो जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है तो CSE स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी आपको। अब आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्टिंग कैटेगरीज हैं, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है और सीनियर स्कॉलर के लिए भी है। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पोस्ट स्टडी एंड चाइनीज़ लैंग्वेज में है, ठीक है। और इसके अलावा जो लैंग्वेज कोर्स होगा वो आपको एक साल पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो देन वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं। देन आप इंस्टीट्यूट और मेजर की बात करते हैं तो इसी वेबसाइट पर हम बाद में बात करेंगे इंस्टीट्यूशन और मेजर को कैसे टारगेट करना है। चलिए, अब स्कॉलरशिप कवरेज की बात कर लेते हैं। ट्यूशन फीस टोटल कवरेज होगी इसकी, फ्री यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री और अकोमोडेशन सब फ्री होगी आपकी। स्टाइपेंड अंडर ग्रेजुएट के लिए 2500 युआन है, मास्टर के लिए 3000 है और डॉक्टरल के लिए 3500 पर मंथ। इसके अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो 800 पर पर्सन पर ईयर है और जो लास्ट देन 6 मंथ के लिए तो वो 400 है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, टू बी अ सिटीजन अदर देन द रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इन गुड हेल्थ एंड मेंटली एंड फिजिकली ठीक हो गया, टू बी एकेडमिकली एक्सलेंट होल्डर ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा एंड इट्स इक्वलेंट अंडर द एज ऑफ 25 एंड अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट के लिए 25 है एज लिमिट, मास्टर के लिए 35 है और डॉक्टरल के लिए 40 है। और इसके अलावा ये देख लेते हैं, बी ए होल्डर ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा हायर अंडर द एज ऑफ 45 एंड अप्लाइंग फॉर जनरल स्कॉलर प्रोग्राम, वो इनका होगा कोई पोस्ट डॉक्टोरल वगैरह प्रोग्राम होगा उसके लिए। अब ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, हैव पास द HSK लेवल 3 व्हेन अप्लाइंग फॉर चाइनीज टॉट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास HSK लेवल 3 आपके पास लाजमी होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो चाइनीज सीनियर स्कॉलर प्रोग्राम, उसके लिए आपके पास भी लेवल 3। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपके पास होना चाहिए HSK लेवल 4। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे सीनियर स्कॉलर प्रोग्राम की, वो जब डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे तो उसको भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है। हमारा ये तीन कैटेगरी इसके साथ कंसर्न है, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, डॉक्टोरल। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि एन एप्लीकेंट शैल फ्रॉम द डायरेक्ट चाइनीज यूनिवर्सिटी। वो मैंने आपको जो बताया कि जो आपने पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, देन आपने इधर आके CSE के पोर्टल पर भी अप्लाई कर देना है। साथ ही इसके दो पोर्टल पर अप्लाई होगा, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी, CSE के पोर्टल पे भी। एंड एप्लीकेंट शैल दी द डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी फॉर
मिशन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन रीच एंड एप्लीकेशन रिसीव एजेंसी नंबर फॉर रिकमेंडेशन। वो मैंने आपको जो बात की थी कि आपने वो यूनिवर्सिटी का जो एजेंसी नंबर है वो मैंशन कर देना है, सीएससी के पोर्टल पे भी उनको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे ने भाई किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर डिफरेंट होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर देखना तो आप जाके टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं जी, वही एप्लीकेशन शैल फिल इन एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, ये पोर्टल पे अप्लाई करना है आपने, फिर आ जाता है कि वही एजेंसी नंबर आपने मेंशन करना है। सी एस सी ऑर्गेनाइज डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट एक्सपर्ट कंसर्न द एग्जामिन एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस बिफोर फाइनलाइजिंग द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। तो वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रिकमेंड करेंगी, दैन सी एस सी आगे तो कंटिन्यू कर देगी। सी एस सी फर्दर विल नोटिफाई द एडमिशन रिजल्ट टू बी द एप्लीकेंट रिसीविंग एजेंसी सब्सिक्वेंटली आर द एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स इन्फॉर्म्ड। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन डाक, अभी इनका सीन ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो उसके ट्रैकिंग साथ साथ हो रही होती है, ठीक है। वो ट्रैकिंग वाला हम बाद में कवर करेंगे कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है, एक्सेप्टेड है, वो सारी चीज़ें बाद में कवर करेंगे। जब आप एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे पोर्टल पे, देन उस चीज़ पे हम वीडियो करेंगे कि वो वाला सीन क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, प्रोग्रेस क्या है, तो उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो भाई अभी ये रिक्वायरमेंट्स पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, तो या इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, पासपोर्ट चाहिए ये आप देख सकते हैं, फिर उसके अलावा नोटराइज कॉपी चाहिए, हाईएस्ट एजुकेशन की आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है, चाइनीज टॉट प्रोग्राम के लिए एचएस के लाजमी होगा, अब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए तो आपको नहीं चाहिए, वो आपका आपके पास आईएलटीएस से टॉफल नहीं है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जमा करवाएं और दैट्स इनऑफ। अच्छा, एडमिशन डॉक्यूमेंट ये कहते हैं जी के वही व्हेन अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन और एकेडमिक एजुकेशन और जनरल स्कॉप प्रोग्राम, तो वो एक्सेप्टेंस लेटर का जिक्र कर रहे हैं, प्री एडमिशन लेटर और इनविटेशन लेटर फ्रॉम अ प्रोस्पेक्ट सुपरवाइजर। तो ये इसमें भी आपने लाजमी अप्लाई सी एस सी के प्रोफेसर्स को मेल करना शुरू करनी है, उनसे एक्सेप्टेंस देना, देन अप्लाई करेंगे आपके पास प्री एडमिशन लेटर हो जाएगा, ठीक है, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो इट्स बेटर। रिकमेंडेशन लेटर वो आपको पता कि आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं सी एस सी के पोर्टल पे। अच्छा, इसके अलावा आ गया जी डिज़ाइन प्रोग्राम शैल प्रोवाइड ऑन वर्क सच एज वीडियो एंड पेंटिंग, ये आर्ट और डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अगर आपकी एज अंडर 18 है तो लीगल डॉक्यूमेंट वो वे फॉर्म वगैरह सबमिट करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये फॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है जो आपने वो डॉक्टर से जनाब सब करवाना है, साइन करवाना है किसी भी पाकिस्तान में से, तो वो आपको कर देगा सारा। ये कुछ हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, तो जब आप अप्लाई करने जाएं तो आप बनवा लें, जनवरी में बनवा लें, वो 6 मंथ तक वैलिड होता है, तो जनवरी टू आपका अगर देखें जून तक वो आपका चल जाएगा। और ये कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है अभी जो आपको मसला मसाइल हो ईमेल पर जाके रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई थी स्कॉलरशिप, अब हमने देखना है कि भाई प्रोग्राम किधर से हमने ढूंढने हैं, ठीक है, तो हम इधर जाते हैं जी प्रोग्राम पे, ये होम आ गया, अब ये देखें यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, ठीक है, ये अगर आपने इधर लिखना है जी इन केस कोई भी लिख लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लिख लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, डिग्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी मेरी मास्टर के लिए, तो मास्टर इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इंग्लिश, तो हम इधर सर्च आउट कर लेते हैं इधर से, ठीक है। अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, ये आप देख सकते हैं, कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, चाइना फार्मास्यूटिकल है, चोंगशिंग है, डालियान मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये अब ये देखें 5 पेजेस हमारे पास आ गए हैं, 7, ठीक है, तो हमने इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उनके प्रोफेसर सर्च आउट करने हैं, वो मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि आपने प्रोफेसर को कैसे सर्च आउट करना है, ठीक है। वो चलिए अब इधर से देख भी लेते हैं, कुछ कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर लेते हैं, हुआ जोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा जी, ये आ गई अब हुआ जोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गई है, अब आ गई हैं फैकल्टीज़, ये फैकल्टी में जाते हैं, इधर आप देखते हैं जी
जो सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं। अच्छा जी, सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन इसको क्लिक करते हैं, अब आ गया जी हमारे पास ये, ठीक है। अब इसकी डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। चाइनीज़ का वेबसाइट का आपको ये बहुत इशू होगा, कुछ वीपीएन के साथ चलेंगे, कुछ वीपीएन के बगैर चलेंगे, कुछ चाइनीज़ में होंगी, कुछ इंग्लिश में होंगी, तो आपको ट्रांसलेशन करने में प्रोफेसर हर हाल में ढूंढने हैं। अभी देखें उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया, तो अब देखें, अब न्यू जो न्यू भी है उसे नहीं पता कि हमने फैकल्टी में कैसे जाना है, कहाँ से देखनी है। पहले आप एडमिशन पर चलते हैं, इधर से एडमिशन आ गया, ठीक है। अब ये देखें, ये आ गया प्रोग्राम और सुपरवाइज़र, इधर हम न्यू टैब इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आगे कॉलेज ऑफ प्लांट साइंस, अब जो आपका रिसर्च डायरेक्शन है ये देखें, ये फॉर पीएचडी के लिए, ये फॉर मास्टर के लिए, ठीक है। और ये लिखा भी होगा ओनली टार्ट इन चाइनीज़ एंड द अदर, ये कुछ मेंशन भी है जी, जो इनके साथ स्टार लगा है वो चाइनीज टार्ट में है, बाकी जो अदर्स हैं वो बहुत इन चाइनीज़ और टार्ट दूसरे इंग्लिश में है। तो हम किसी एक को सर्च आउट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं ओपन। अच्छा अब ये देखें, प्रोफेशनल नेम और मेजर क्रॉप कल्टिवेशन एंड टिलेज है, क्रॉप कल्टिवेशन एंड फार्मिंग सिस्टम है, ये इनके रिसर्च डायरेक्शन है, ये मास्टर मेंटोर नेम है और ये सुपरवाइजर है, ठीक है। अब इसको हम किसी को एक को ओपन कर लेते हैं इधर से, इससे पहले मैंने ओपन किया हुआ था, ये देख ले। अच्छा ये आ गया। अब हमने क्या काम करना है, इधर से इसको करना है कॉपी, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। और आपने क्या काम करना है, एक वर्ड की फाइल बनानी है यूनिवर्सिटी के नाम से, और हर एक जो यूनिवर्सिटी का डाटा है उसमें आपने एक एक फाइल बनाते जाना है और उसको सेव सेव करते जाना है। तो आपके ये पास ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपने ऐसे फैकल्टी को ढूंढने का, अपने जो रेलिवेंट सुपरवाइजर हैं, ऐसे ही आपने हर एक यूनिवर्सिटी के पे जाना है और ऐसे ही प्रोफेसर को सर्च आउट कर लेना है। ये मैंने एक को आपको करके दिखा दी है, आपने ऐसे ही सबको करना है। सीएससी में सिर्फ आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सेप्टेंस का इसलिए कहूँगा, एंड के एंड पे आपके पास चॉइस आ जाती है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है, फिर किस में सीट्स ज़्यादा है और किस में इंग्लिश टॉटर प्रोग्राम है, तो आपके पास वो बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, जितने आपने एक्सेप्टेंस लेने लें, लेकिन कोशिश करेंगे उससे लें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस ना हो, जितने ज़्यादा ले लें वो भी बेस्ट है आपके लिए। ये अब आपने देख लिया, जो भी आपने सर्च आउट करना है, दो तीन चीज़ें देखनी है, अपना प्रोग्राम आपका इंग्लिश में हो, उसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस ना हो और उसमें सीएससी स्कॉलरशिप जो लाजमी उसमें कवर होती हो, ठीक है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने सब देख के फिर वहाँ से पर फैकल्टीज को मेल करना शुरू करनी है। अब आप लाइक 800 RMB फीस है उसकी, तो आप नहीं पे कर सकेंगे, सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास बच्चा नहीं पे कर सकते, आपने वही करने हैं सर्च आउट जो आप कर सकें, फी पे कर सकें। अगर फी पे नहीं कर सकते देन आप उसी यूनिवर्सिटी पे जाएं जो कि फीस नहीं है। जब आप लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ीस, तो बहुत सारी आ जाएंगी, तो आपने एक एक करके सर्च आउट करते जाना है। अच्छा उसके बाद जब आपने अप्लाई करना है, ठीक है, वो पोर्टल पे, तो ये मेन होम पेज पे आना है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, ये जाएंगे तो यहाँ पर आपका, आपने इधर से साइन इन करके ये सारा पोर्टल बना लेना है और जो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जब ये एप्लीकेशन ओपन होंगी, अभी तक एक्सेप्टेंस का टाइम है, तो मैंने आपको बता दिया सारा कैसे करना है कैसे नहीं। जब आएगा टाइम, जब एप्लीकेशन पोर्टल्स पे प्रोफाइल बनानी होगी सारा कुछ, तो हम इसको भी लॉगिन करके कैसे फिल आउट करना है वो भी डिटेल से वीडियो इसके लास्ट में बनाएंगे। अच्छा ये थी स्कॉलरशिप, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल CSC, ठीक है, और इसकी हर हमने चीज़ डिस्कस कर ली है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम जैसे कोई और भी चाइनीज़ स्कॉलरशिप है वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाए। आज की वीडियो से इतना, अल्लाह हाफिज़।